दोस्तों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में उपयोग होने वाली पेंट का केवल 1 लीटर की कीमत लगभग 14 लाख तक होता है, जो एक तरह से राडार ऑब्जर्विंग मटेरियल होते हैं। वहीं एक बार चाइना ने अपने J-16 को स्टेल्थ कोटिंग से पेंट कर दिया और चाइना का भूख मीडिया J-16 को ही स्टेल्थ बताने लगता है। क्या ये क्लेम सच था? जी नहीं दोस्तों, कोई भी फाइटर जेट कभी भी स्टेल्थ कोटिंग से राडार प्रूफ या स्टेल्थ बन नहीं जाती। ये मूल रूप से पॉलीमर बेस्ड मटेरियल का पेंट और एयरक्राफ्ट डिजाइन का कॉम्बो होते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट की बॉडी को ऐसे डिजाइन किया जाता है जो राडार वेव्स को आसमान की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। आप B-1 लांसर को देख सकते हो, जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेल्थ कोटिंग से ढका हुआ है। इसको पेंट करने के पीछे की वजह है राडार क्रॉस सेक्शन, जो कि एयरक्राफ्ट को राडार में काफी हद तक छोटा बना देता है। वहीं हमारे राफेल को ही देख लो, जिसकी डिजाइन तो किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह ही हुआ है, लेकिन राम का उपयोग न होने से ये किसी सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह काम करता है।